अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सबका? उम्मीद है कि सब खैरियत से ही होंगे जी। तो आज आपके लिए जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो एक हेयर स्टाइल के से रिलेटेड है। आज हम एक छोटी सी बच्ची का हेयर स्टाइल आपको बना के बताएंगे, तो उसके हेयर भी बहुत थोड़े से हैं और ये बताएंगे कि थोड़े छोटे से हेयर का हेयर स्टाइल कैसे बनता है जी। तो हम अपना हेयर स्टाइल स्टार्ट करने लगे हैं। हेयर को पहले अच्छे से कॉम कर ले। ये आप देख ही रहे होंगे ये कितने छोटे से बाल हैं बच्ची के। इन्हें चलो से जी, तो ये हम आज आपको सिखा रहे हैं चार बाल वाली चुटिया। तो चार बाल वाली चुटिया बनाने के लिए हम सबसे पहले फ्रंट के बालों को हम क्लचर लगा लेंगे या कोई पिन वगैरह लगा लेंगे, ठीक है। तो ये अब हम इसके फ्रंट से बाल समेटने लगे हैं। जी तो ये देखें, हमने इसकी छोटी सी बैकमिंग बना ली है। ये क्लचर लगाने से हल्की सी बच्ची की बैकमिंग भी बन गई है, ठीक है। तो अब हम चुटिया स्टार्ट करेंगे जी। ये बाल फिर से बच्ची के थोड़े से उलझ गए हैं, तो इसको दोबारा से कॉम करेंगे ताकि बाल अच्छे से सेट हो जाए। जी तो ये बालों को हम चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो ये देखिए, इक्वल पार्ट्स में लेना है अपने बालों को, कम या ज़्यादा नहीं होने चाहिए, बिल्कुल इक्वल होने चाहिए चारों पार्ट्स। अगर कम या ज़्यादा बाल लेंगे तो वो चुटिया में, वो स्टाइल में भी मज़ा नहीं रहेगा, अच्छी नहीं लगेगी। चुटिया तो बन जाएगी आपकी, लेकिन वो नीटनेस नहीं आएगी ना चुटिया में, खूबसूरत नहीं लगेगी। तो ये देखें, हमने ये इक्वल बाल काट लिए हैं। अब इसकी चुटिया स्टार्ट करते हैं हम। जी तो ये साइड के बालों को हमने पकड़ा है, तो ऐसे दोनों फिंगर में आपने एडजस्ट कर लेना है। फिर अगले दोनों साइड बालों को पकड़ना है, वो फिंगर के नीचे एडजस्ट कर लेना आपने। ये देखें, आप देख रहे हैं किस तरह आप चारों फिंगर में चारों बालों को हमने एडजस्ट किया है और अब चुटिया स्टार्ट हो गई है, ये देख रहे हैं आप।
जी, ये जो लेफ्ट साइड वाला बल है ये हमने पहले राइट साइड पे करना है। ये देखें, जी ये देखें, राइट साइड पे कर लिया हमने बल। और अब राइट साइड से लेना है तो फिर वो लेफ्ट साइड पे कर लेना है। ये देख रहे हैं, लेकिन बालों में एक भी बल को आपने छोड़ना नहीं है, चारों बल को हाथ में एडजस्ट करके ही रखना है अपने हैंड में ना आपने। जी तो अब ये फिर लेफ्ट साइड पे लिया का बल लिया और ये राइट साइड पे हमने कर लिया है। जी तो अब लेफ्ट साइड से फिर लेना है और राइट साइड पे कर लेना है। और ये भी नहीं, जी तो अब हमने ये लेफ्ट साइड से लिया और राइट साइड के नीचे से गुजार लेना है। सॉरी, राइट साइड से लेना है और लेफ्ट साइड के नीचे से गुजार लेना है। ठीक है, ये हो गया, ये देखें। और ये चुटिया भी आपको बनती हुई नज़र आ रही है। जी तो ये देखें, हमारी चुटिया बन गई है, तकरीबन कंप्लीट कैमरा में है। लेकिन ये आपको थोड़ी नीट नहीं लग रही होगी, ये नीट। जी तो मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया कि बच्चों के बालों पे स्प्रे नहीं करते, क्योंकि बाल बहुत जल्द बच्चों के रफ हो जाते हैं, इसलिए मैंने स्प्रे इसके बालों पे नहीं की। तो ये देखिए, चुटिया हमारी कंप्लीट हो गई है। तो चुटिया कंप्लीट करने के बाद आप इनको, इसके बालों को आहिस्ता आहिस्ता दोनों साइड से इक्वल खींचना है, दोनों हर बाल को इक्वल ही आपने खींचना है। जी तो ये देख रहे हैं आप, चुटिया माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है। वैसे भी गर्मियों का मौसम है, बाल खुले तो बच्चे रखते भी नहीं हैं, तो चुटिया ही बेहतर रहती है। तो ये चुटिया भी हो जाती है और थोड़ा स्टाइल भी बच्चों का बन जाता है, इस तरह बच्चे खुश भी हो जाते हैं। ये कम होती खिड़की। जी तो ये देखें, इस पर हम हल्के हल्के से स्टोन लगा देंगे ताकि चुटिया और ज़्यादा प्यारी लगे। लगा दिया हमने। जी तो देखें, ये चुटिया हमारी रेडी है, बिल्कुल रेडी है। और बच्ची माशाल्लाह से बहुत खुश है कि मेरी मेरा हेयर स्टाइल बन रहा है। वैसे भी मेरी बेटी रोज़ कहती रहती है, अपने मुख्तलिफ स्टाइल बनवाती है कि मामा आज मेरा ये स्टाइल बनाए, आज ये स्टाइल बनाए। बहुत खुश होती है स्टाइल अपना। जी ओके, फिर ये देखें, चुटिया हमारी रेडी है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।